जब इन द एयर बॉल आ रहा था हेडिंग के टाइम पे, तो हेडिंग के टाइम पे ही मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि उस टाइम कि मेरा सिर में स्टिचेस थे और मैं फुटबॉल जो है मैं कैसे, मतलब इन द एयर जो मैं हेडिंग होता है तो वो मैं कैसे करूँगा। वो धीरे धीरे फिर मेरा जो प्रैक्टिस कर करके वो मेरा डर पूरा है वो चला गया। हाय, आई एम बलजीत साहनी, प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर प्लेइंग फॉर FC पुणे सिटी। 2009 में मेरा एक इंजरी हुआ था, बाइक एक्सीडेंट हुआ था मेरा गोवा में। उस टाइम मैं JCT के लिए खेल रहा था। जब एक्सीडेंट हुआ तब अगले दिन मेरा मैच था, उसके बाद मेरे को नेशनल कैंप के लिए भी कॉल अप आया था। तो एक एज अ प्लेयर थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ मेरे को कि हाँ यार वो मेरा जो नेशनल टीम का एक महीने का कैंप था वो मेरा मिस हो गया, एक अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई है। बट ये था कि जो रिकवरी मेरी हुई है वो बहुत फास्ट हुई। एक हफ्ते के बाद मैं हॉस्पिटलाइज जो था मैं वो घर चला गया था। फिर मैं उसके बाद फिर मैंने एक महीने के बाद मेरा पूरा मैं मैच खेला, आके फर्स्ट मैच ही था वो मैंने स्कोर किया उसमें। माहिलपुर है एक टाउन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे पूरा जो माहौल है वो फुटबॉल का ही माहौल है, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स विंग है, अंडर 19 है, अंडर 17, अंडर 14, ये सब वहाँ पे चलता है। जब से JCT रेलीगेट हुई है आई लीग से, उसके बाद से किसी ने भी एफर्ट नहीं किया है कि चलो कोई और टीम लेके आए। अगर किए भी है बट यू नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कोई ऊपर इतना ऊपर नहीं आ सकता है, क्योंकि आई लीग में भी आपको बजट काफ़ी होता है, वो बजट के लिए भी वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो पंजाबी प्लेयर्स जो है वो दिख नहीं रहे हैं कहीं भी। यंग प्लेयर जो है जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खेल रहे हैं उनके बाद उनका फ्यूचर मुझे नहीं लग रहा कुछ है। वो अपने दम पे अगर कहीं पे ट्रायल्स दे के किसी क्लब्स में हो सकते हैं तो वो उनके ऊपर है, बट पंजाब में अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मैं 5 साल ईस्ट बंगाल में खेला, तो वहाँ पे 5 साल भी मेरा इजी नहीं था। वहाँ पे हर मैच में आपको हर दिन परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे आप एक स्टेबल हो सकते हो। उसके बाद फिर मैं सीधा एथलेटिको के लिए मैं खेला, यूज़ टू हो जाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा यूज़ टू हो जाता है। मेरा फेवरेट पोजीशन वैसे विंग है, लेकिन अप टू कोच, क्योंकि कोच को अपनी टीम बनानी होती है और वो हर प्लेयर को देखता है सेट करके कि कौन कोई पोजीशन पे खेल सकता है या नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं 2-3 पोजीशन खेल सकता हूँ,